नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीएचपी न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और आज है तारीख 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के मामले में गरमाया सदन, सीएम और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने। बजट भाषण पर चर्चा के दौरान मंगलवार को सदन खूब गरमाया। विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने सदन में आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को 1 लाख नौकरी देने का वादा किया, लेकिन आज बेरोजगार सड़कों पर हैं। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाने की बात कही गई है, भाजपा विधायकों की ओर से झूठ बोला जा रहा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी की बात कही है। यह भी कहा गया कि पहली कैबिनेट बैठक में इसे पास कर दिया जाएगा, चिल्ला चिल्ला कर कहा गया और दीवारों पर लिखा गया। मुख्यमंत्री जी, आप यह कह सकते हैं मेरे से यह नहीं पूछा गया, मैं बाद में आया हूँ। जयराम ने सदन में युवाओं के रोजगार से संबंधी एक पृष्ठ दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष एकदम गुस्से में आ जाते हैं, झट से खड़े हो जाते हैं जैसे स्प्रिंग लगा हो। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कागजों को सदन में रखकर रिकॉर्ड में लाएं। जिसने ये झूठ कागज भेजे हैं व वीडियो भेजा है उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये कागज सदन में रखें, इस मामले की जांच होगी। सेना की परीक्षा में हिमाचल के सिरमौर के मानवीन को देश में दूसरा रैंक। भारतीय सेना की ओर से शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत तकनीकी पदों के लिए आयोजित परीक्षा में सिरमौर जिले के मानवीन कौर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। अब वह चेन्नई अकादमी में ऑफिसर का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। परीक्षा में मिली सफलता से गांव सूरजपुर समेत पूरे जिले में खुशी की लहर है। मानवीन कौर सिरमौर जिले की पहली महिला है जिसने इलेक्ट्रिकल विंग की परीक्षा में देश में दूसरा रैंक हासिल किया है। सूरजपुर निवासी जीएस सैनी ने कहा कि पोती मानवीन ने परिवार का नाम ऊंचा किया है। चंडीगढ़ मनाली फोरलेन पर 6 मील के पास फिर दर की पहाड़ी, जेसीबी चालक की मलबे में दबकर मौत। चंडीगढ़ मनाली फोरलेन पर मंडी और पंडोह के बीच 6 मील के पास पहाड़ी फिर दरक गई। पहाड़ी से बड़ी मात्रा में बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिरा। इसकी चपेट में आने से मौके पर काम कर रही जेसीबी मशीन के चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान फिरोज खान उर्फ सलीम पुत्र मोहम्मद अली निवासी गाँव जरली तहसील सदर मंडी के रूप में हुई। भूस्खलन के बाद मशीन चालक मलबे में दब गया। हादसा दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ। हादसे की सूचना मिलने के बाद NHAI, KMC कंपनी प्रबंधन, जिला प्रशासन और पुलिस का बचाव दल मौके पर पहुंचा। इसके बाद मलबे में दबे जेसीबी चालक को बाहर निकालने के लिए अभियान चलाया गया। SDRF की टीम भी बुलाई गई, लेकिन चालक को नहीं बचाया जा सका। वहीं भूस्खलन से बंद हाईवे को खोलने में 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। मंडी तथा कुल्लू के बीच में यात्रा करने वाले लोग वाया कटिंडी कटोला सड़क से यात्रा करें। हिमाचल में बर्फबारी के बाद मुश्किलें, 263 सड़कें, 661 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, 2 की मौत। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मंगलवार शाम तक प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे सहित 263 सड़कों पर यातायात ठप रहा। करीब 661 बिजली के ट्रांसफार्मर भी बंद रहे। जिला मंडी के 6 मील के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने से पहाड़ी के नीचे खुदाई का काम कर रही जेसीबी मशीन चालक सहित पत्थरों के नीचे दब गई, इससे चालक की मौत हो गई। वहीं चंबा में सोमवार देर रात बारिश और धुंध के चलते गागला मार्ग पर बेकाबू होकर कार खाई में गिरने से एक कारोबारी चमन प्रकाश की मौत हो गई। बर्फबारी के बाद कुल्लू से लाहौल तक कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई। ओट बंजार सैंज और मनाली के लंग व ग्राम्फू काजा हाईवे के साथ दोनों जिलों में 177 सड़कें ठप हैं। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में धूप खिली रही। ऊना में अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारी बर्फबारी से लाहौल घाटी का सड़क संपर्क देश दुनिया से कट गया है। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने हिमखंड गिरने की आशंका भी जताई है। कई इलाकों में रविवार रात से बिजली भी गुल है। लाहौल स्पीति में 301 और कुल्लू में 67 बिजली ट्रांसफार्मर बंद है। दिल्ली में HRTC बसों की पार्किंग पर 8 लाख कम होंगे खर्च, यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी। दिल्ली में हिमाचल पथ परिवहन निगम बसें अब दिल्ली परिवहन निगम के राजघाट डिपो में पार्क होंगी। HRTC और DTC के बीच इसे लेकर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हो गए हैं। रोजाना HRTC की 120 बसें हिमाचल के विभिन्न रूटों से दिल्ली जाती हैं।
अब तक निगम की बसें आईएसबीटी से 12 किलोमीटर दूर जगतपुर स्थित निजी पार्किंग में खड़ी होती थी। पार्किंग के लिए हर बस की रोजाना 24 किलोमीटर डेड माइलेज होती थी। महीने का पार्किंग का खर्चा 3.5 लाख रुपए चुकाया जा रहा था। डीटीसी की राजघाट डिपो आईएसबीटी से महज 4 किलोमीटर दूर है। यहां बसें पार करने के अवज में हर महीने निगम को 6 लाख चुकाने होंगे, लेकिन डेड माइलेज प्रति बस 16 किलोमीटर कम हो जाएगा। जगतपुर की निजी बस पार्किंग में बसें खड़ी करने पर मासिक खर्चा 20 लाख आ रहा था, जो राजघाट डिपो में घटकर 12 लाख हो जाएगा। 26 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक होंगे ऑडिशन, शेड्यूल जारी। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के सांस्कृतिक संध्याओं में भाग लेने के लिए नवोदित कलाकारों के ऑडिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऑडिशन 26 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक होंगे। ऑडिशन युवा सेवाएं एवं खेल विभाग मंडी के टेनिस हॉल पंडल में सुबह 10:30 से होंगे। यह जानकारी सांस्कृतिक उप समिति के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त उपायुक्त मंडी रोहित राठौर ने दी। मंडी जिले के कलाकारों के ऑडिशन 3 दिन 26 से 28 फरवरी तक होंगे। प्रदेश के अन्य जिलों के कलाकारों के ऑडिशन 29 फरवरी और 1 मार्च को लिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर वीडियो को रोककर पूरी जानकारी देख सकते हैं। गर्म पानी में झुलसने से 2 वर्षीय मासूम ने तोड़ा दम। जिला मुख्यालय के साथ लगते कुठार खुर्द में 2 वर्षीय मासूम की गर्म पानी में झुलसने से मौत हो गई। मृतक की पहचान कार्तिक पुत्र सोनी कुमार निवासी वार्ड नंबर 5 कुठार खुर्द के रूप में हुई। आपको बता दें कि 11 फरवरी को कार्तिक निवासी कुठार खुर्द को नहलाने के लिए परिजनों ने पानी गर्म किया था। इसी दौरान कार्तिक खेलते हुए बाल्टी में उतर गया। चिल्लाने पर परिजन मौके पर पहुंचे तो पाए कि कार्तिक गर्म पानी के बीच है। गर्म में झुलसे मासूम को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया, जहां से गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। 8 दिन तक चले उपचार के बाद कार्तिक की पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई। एएसपी ऊना संजीव भाटिया ने बताया कि पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। पहले बेटे की शादी में जमकर नाचा पिता, फिर दुनिया को कह दिया अलविदा। बेटे की शादी की खुशी में पिता जमकर नाचा और उसके बाद दुनिया को अलविदा कह गया। यह मार्मिक घटनाक्रम घटित हुआ बल उपमंडल के तहत आने वाली उप तहसील रिवालसर के दुर्गापुर गांव में। दुर्गापुर गांव में 54 वर्षीय देवेंद्र कुमार के बेटे चेतन शर्मा का शादी समारोह चल रहा था। देवेंद्र कुमार ने 16, 17 और 18 फरवरी को धूमधाम से बेटे की शादी की। 18 फरवरी को सभी को धाम खिलाई और उसके बाद शाम के समय पिता ने बैंड बाजे की धुनों पर जमकर डांस किया। इस डांस का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पिता किस तरह से अपने बेटे की शादी की खुशियां मना रहा था। इसके बाद सारे काम निपटाकर देवेंद्र कुमार सोने चला गया। तभी अचानक सीने में तेज दर्द उठा। घरवाले तुरंत रिवालसर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 54 वर्षीय देवेंद्र कुमार पुत्र तेज राम शर्मा आईटीबीपी में एएसआई के पद पर कार्यरत थे और इन दिनों त्रिवेंद्रम में तैनात थे। बेटे की शादी के लिए छुट्टी लेकर घर पहुंचे हुए थे। आज का सुविचार। धोखा उस फल का नाम होता है जो आसानी से किसी भी बाजार में मिल जाता है और बहुत खूबसूरत होता है। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।